रिलायंस और डिज्नी के मर्जर डील को आखिरी मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद रिलायंस और डिज्नी इंडिया के कारोबार को मर्ज कर दिया जाएगा और ये दोनों मिलकर 8.5 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 70,000 करोड़ की कंपनी बनेगी। लेकिन इन दोनों ही कंपनीज के मर्जर से देश की मीडिया इंडस्ट्री कैसे बदलेगी, किस तरह के कॉन्टेंट्स पर रिलायंस और डिज्नी का एक तरफा राज होगा और इस मर्जर से डिज्नी को क्या फायदा होगा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। तो पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर इस डील से देश की मीडिया इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बता दें कि रिलायंस और डिज्नी के इस डील के बाद काफी संभावना है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार का नाम जियो प्लस हॉटस्टार कर दिया जाएगा। वहीं इन दोनों कंपनीज के मर्जर के बाद रिलायंस की वाईकॉम 18 और डिज्नी मिलकर करीब 112 टीवी चैनल्स और 2 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करेंगे और इनके पास होंगे 75 करोड़ व्यूअर्स। अब बात करते हैं कि इस मर्जर से देश के स्पोर्ट्स और रियलिटी शोज कंटेंट का क्या होगा। तो अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो देश में क्रिकेट की दीवानगी और खासकर आईपीएल के समय पर जो व्यूअरशिप इन प्लेटफॉर्म्स को मिलती है उससे तो आप सब वाकिफ हैं। आईपीएल की भी शुरुआत होने ही वाली है, ऐसे में डिज्नी और वाईकॉम 18 मिलकर इस पूरे सीजन को पूरी तरह से मोनेटाइज करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वाईकॉम 18 के पॉपुलर चैनल्स जैसे कि कलर्स, स्टार प्लस, स्टार गोल्ड से लेकर स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स 18 एक ही छत के नीचे होंगे। साथ ही जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। तो चलिए आप समझते हैं कि आखिर इस पूरे डील से डिज्नी को क्या फायदा मिलेगा। दरअसल डिज्नी ने 2019 में इंडियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हॉटस्टार और स्टार टीवी चैनल को अक्वायर किया था। भारत में पिछले काफी समय से अपनी ऑडियंस खो रही हॉटस्टार को खरीदने के बाद 2020 में डिज्नी ने आईपीएल को पेड सर्विस के तौर पर दिखाना शुरू किया, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 2022 में जियो सिनेमा को आईपीएल के राइट्स मिले, जिसके बाद उन्होंने आईपीएल स्ट्रीमिंग को सबके लिए फ्री कर दिया। यानी हॉटस्टार जो काम पैसे लेकर कर रहा था वही काम जियो ने बिना पैसे लिए फ्री में कर दिया, जिससे डिज्नी हॉटस्टार ने भारत में करीब 4.6 मिलियन कस्टमर्स खो दिए। वहीं फ्री में आईपीएल दिखाने की वजह से जियो सिनेमा को व्यूवर्स तो मिले ही, साथ ही मिले ढेर सारे एडवर्टाइजर्स। लेकिन अब इस डील के बाद डिज्नी की भारत में व्यूअरशिप बढ़ सकती है और एक बेस तैयार करने में डिज्नी को मदद मिलेगी। साथ ही बताते चलें कि डिज्नी और रिलायंस के मर्जर से बनने वाली कंपनी में रिलायंस और वाईकॉम 18 की कुल हिस्सेदारी 63.16% होगी। वहीं डिज्नी के पास बाकी की 36.84% की हिस्सेदारी होगी। वहीं रिलायंस अपने OTT बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस जॉइंट वेंचर में 11,500 करोड़ का निवेश करेगा। वहीं इस नई मीडिया कंपनी की चेयरपर्सन होंगी नीता अंबानी। आपकी रिलायंस और डिज्नी के इस मर्जर पर क्या? रिलायंस और डिज्नी के मर्जर डील को आखिरी मंजूरी मिल गई। वीडियो पसंद आई के बाद रिलायंस और डिज्नी इंडिया के कारोबार को मर्ज कर दिया जाएगा और ये दोनों